हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के कलेक्शन के अंदर हम कुर्तीज दिखाने वाले हैं जिसमें कॉटन uh, की कुर्तीज रहेंगी एंड मसलिन की कुर्ती रहेंगी तो हमारे कैजुअल वेयर से लेके हमारे फॉर्मल वेयर तक की कुर्तीज आज हम कवर uh, करने वाले हैं So, आगे स्टार्ट करें दिखाना उससे पहले ऑर्डर कैसे देना है ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है उसका आपको स्क्रीन लेना है एंड प्राइज एंड नंबर जिसपे आपको कनेक्ट करना है वो स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे जब हम प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पे स्क्रीन शॉट भेजिएगा अलॉन्ग विद योर डिजायर्ड साइज साइज जरूर बताइएगा उससे कम्युनिकेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है एंड प्री पेमेंट रहेंगे सारे के सारे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं देखना सबसे पहले आ रहा है ये ब्यूटिफुल कॉटन का कुर्ता प्योर कॉटन बेस्ड रहेगा हमारा इसमें वाइट ब्यूटिफुल बटन है यहाँ पे फैंसी एंड यहाँ पे इस तरीके से लेस वर्क की डिटेलिंग है स्लीव में भी लेस वर्क की डिटेलिंग है बहुत सुंदर प्रिंट है काफी अच्छे अ चलने वाला एंड लुकिंग वाइज ये वाला कुर्ता है वन साइड इसमें पॉकेट है यहाँ पे राइट एंड साइड पे आपको इसमें पॉकेट मिलेगा ओके सिंपल सोबर कॉटन का कुर्ता एंड प्रिंटिंग ऐसी है कि जब भी आप वेयर करेंगे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप किसी भी अपने ग्रीन ब्लैक प्लाजोस के संग इसको पेयर अप कर सकते हैं साइजेस इस पीस के अंदर अवेलेबल है थर्टी सिक्स टू फोर्टी फोर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पीस ये वाला आर्टिकल आ रहा है बहुत सुंदर कलमकारी प्रिंट में इस तरीके से कार्गो इसके स्लीव्स रहने वाले हैं स्लीव्स रोल अप स्लीव्स फैब्रिक इज हैवी रेयन मतलब इसका फैब्रिक इतना फाइन है रेयन इतना फाइन है कि आपको हो सकता है कॉटन से भी ये बेटर लगे काफी अच्छा इसका फील एंड फिनिश है काफी हैवी रेयन का ये पीस है यहां पर इस तरीके से बटन्स देखने को मिलते हैं साइजेस इस पीस के अंदर अवेलेबल हैं 38 टू 46 इसी पीस के अंदर हमारे पास एक और कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ये ब्लू कलर का बेस है एंड बहुत सुंदर इसके प्रिंटिंग है ऑल ओवर अगेन कार्गो स्लीव्स रहेंगे इसमें भी okay, इस तरीके का इसका लुक है क्लोज टू नेक आएगा वन बटन ओपनेबल है आप आराम से अपने नेक में इसको ले जा सकते हैं एंड एवरीडे ऑफिस वेयर एवरीडे के हिसाब से कुर्तीज बहुत ज्यादा अच्छे हैं uh, इसको भी आप अपने व्हाइट के संग पेयरअप कर सकते हैं इस पीस में भी साइज अवेलेबल होगा 38 टू 46 नाउ एक और पीस आ रहा है इट्स इन प्योर कॉटन आज काफी सारा अच्छा कलेक्शन कुर्तीज़ का दिखाने वाले हैं सो so, इस तरीके का ये पीस रहेगा प्योर कॉटन एंड काथा स्टिचेस इसमें चले हुए हैं ठीक है, है? फैब्रिक के अंदर इटसेल्फ काथा स्टिचेस देखने को मिलते हैं यहां पे कोकोनट शेल बटन्स अगेन क्लोज नेक एंड यहां तक बटन इसका आप ओपन कर सकते हैं ताकि आपका नेक आराम से इसमें चला जाए कार्गो स्लीव्स रहेंगे अगेन विद कोकोनट शेल ओके एंड इस पीस के अंदर जाएगा हमारा जस्ट अ सेकेंड यस इस पीस के अंदर हमारे पास पॉकेट मिलता है हमको लॉन्ग लाइन ये कुर्ता रहेगा साइजेस इस पीस के अंदर अवेलेबल रहेंगे थर्टी एट टू फोर्टी सिक्स इसी पीस के अंदर हमारे पास एक और कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है इट्स टमेटो रेड बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन जाएगा जैसा कि नीचे वाले कुर्ते में है कोकोनट शेल बटन जाएंगे वन साइड इसमें पॉकेट जाने वाला है एंड ब्यूटिफुल टमैटो रेड कलर काथा स्टिच वाला ही फैब्रिक है प्योर कॉटन रहेगा एंड uh, काफी डिसेंट सा कुर्ता है काफी वाइब्रेंट इसका कलर है सो बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि ये पीस आपको कैसा लगा नेक्स्ट जो पीस आ रहा है ये हमारा सिंपल सोबो लेन कॉटन क्रीम कलर, स्ट्रू क्रीम कलर इस तरीके से यहाँ पे पूरा पिनटेक्स की डिटेलिंग है फैंसी बटन जाएंगे स्लीव स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है इसका इस तरीके से इसके स्लीव्स रहेंगे थ्री क्वार्टर स्लीव्स, इस पीस में भी हमको वन साइड पॉकेट मिलेगा राइट एंड साइड के अंदर इस पीस में पॉकेट है इस बार बहुत कोशिश करिए कि आप जो भी कुर्ताज ले रहे हैं ड्रेसेस ले रहे हैं उसमें हम पॉकेट प्रोवाइड करवाएं सो so, इस तरीके का ये पीस रहेगा वेरी नाइस ऑफिस वेयर कैजुअल वेयर एंड सबसे बड़ी बात इस पीस के अंदर ये है कि आप इसको स्टाइल कर सकते हैं अपने वे में बॉटम्स एंड दुपट्टा यूज करके क्रीम कलर को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं साइजेस इस पीस के अंदर अवेलेबल है 36 टू 44 नेक्स्ट हमारा आ रहा है ब्यूटिफुल कॉटन कुर्ता दिस कुर्ताज आर लॉन्ग लाइन सबकी लेंथ अप्रॉक्स फोर्टी मिनिमम रहने वाली है इट्स प्योर कॉटन यहाँ पर इस तरीके से वी फॉर्म होता है ठीक है एंड इस तरीके से कार्गो स्लीव्स रहेंगे थिक कोकोनट शेल बटन है इसके अंदर के लॉन्ग लाइन कुर्ता साइजेस इस पीस के अंदर अवेलेबल रहेंगे हमारे पास 38 से लेकर 46 तक एंड इसी का ही एक और कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वाइब्रेंट येलो कलर सेम डिस्क्रिप्शन रहेगा जैसा नीचे वाला कुर्ता मैंने दिखाई है उसी का ही सेकंड कलर है ऑल द कुर्ताज आर नॉन ट्रांसपेरेंट ठीक है आराम से आप इनको वेयर कर सकते हैं किसी भी लेगिंग जीन्स प्लाजोस के अंदर साथ हम इनको पेयर अप कर सकते हैं इस पीस में भी साइज अवेलेबल है थर्टी एट टू फोर्टी सिक्स नाव हम मूव करेंगे हमारे मसलिन के कुर्तों के साथ जिसमें आपको विद डिजाइनिंग प्लेन एम्ब्रॉयडरी के साथ पार्टी वेयर मसलिन की कुर्तीज मिलने वाली है स्टार्टिंग विद दिस रियली ब्यूटिफुल रामा ग्रीन काला प्रिंटिंग स्टाइल इसका बहुत सुंदर है एंड इस कुर्ता का जो बेस्ट पार्ट है इसमें दोनों तरफ पॉकेट्स हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट एरिया आपके वेस्ट के अराउंड इसके अंदर पॉकेट आएगा दोनों तरफ यहाँ पे पूरा जरी दबके का वर्क है नेक के अराउंड मेटल के बटन लगे हुए हैं सेम काइंड ऑफ वर्क की डिटेलिंग हमको यहाँ पे मिलती है ये जो uh, मसलीन का फैब्रिक है दिस इज वेरी फाइन मसलीन जो आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगा एंड कंफर्टेबल ऑन बॉडी सॉफ्ट मसलीन के पीसेज हैं साइजेस पर्टिकुलरली इस पीस में अवेलेबल हैं 42, 44 एंड 46 सिक्स नाउ नेक्स्ट पीस अगेन इट्स इन प्योर मसलीन कैरेट ऑरेंज कलर

मसलिन के पीसेस होते हैं वो फील देते हैं हमको क्रेप का आप इसको सब्सटीट्यूट मान सकते हैं क्योंकि जो क्रेप के प्योर कपड़े होते थे मसलिन बिल्कुल वैसा ही फैब्रिक होता है इसी पीस का एक और कलर हमारे पास है मरून ऑल टाइम फेवरेट सबका फेवरेट होता है मरून कलर एंड सब स्किन टोन के ऊपर जाता है सो so, ये मरून एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट स्टाइल सिंपल सोबर स्टाइल रहेगा विद लिटिल बिट ऑफ जरी एंड थ्रेड की डिटेलिंग रहेगी इस कुर्ता में भी बोथ साइड पॉकेट्स है राइट एंड लेफ्ट आपके वेस्ट के अराउंड आपको पॉकेट्स मिलेंगे लॉन्ग लाइन कुर्ता इन फाइनेस्ट मसलिन फैब्रिक साइजेस इस पीस के अंदर भी अवेलेबल है थर्टी एट से लेकर फोर्टी सिक्स तक नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो पीस अगेन इन मसलीन एंड वेरी ट्रेंडी डिजाइन प्रिंसेस कट के अंदर ये कुर्ता बना हुआ है ठीक है प्रिंसेस कट जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जितने स्टिचिंग यहाँ से आर्म होल से स्टार्ट होती है नीचे तक जाती है इसको हम प्रिंसेस कट कहते हैं नेक टाई इस तरीके से रहेगा एम्ब्रॉयडरी वर्क जरी एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी एंड इसके स्लीव्स बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे इस तरीके से ऑर्गेन्जा का पैच देखने को मिलता है एंड सीक्वेंट वर्क है पीच अ पिंकिश पीच इस शेड को हम कह सकते हैं साइजेज इस पीस के अंदर अवेलेबल है थर्टी एट फोर्टी एंड के अंदर हमारे पास एक और कलर अवेलेबल है dusky, इस तरीके का ये पीस रहेगा ओके okay, यहाँ पे सेम तरह का एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग है मैचिंग टू द फैब्रिक यहाँ पे जो फैब्रिक लगा हुआ है उसी से ही मैच करते हुए ये वाले एम्ब्रॉयडरी uh, के थ्रेड यूज किए हुए हैं सेम काइंड ऑफ स्लीव्स रहेंगी एंड यहाँ पे इस तरीके से काफी सुंदर लगता है जब एल्बोज तक ये वाला पीस uh, दिखता है ओके साइज इस पीस के अंदर भी अवेलेबल रहेंगे थर्टी एट फोर्टी एंड फोर्टी टू और अब जो नेक्स्ट पीस आ रहा है वो बहुत सुंदर वाइब्रेंट कलर शो स्टॉपर पीस हमारा आज का लास्ट पीस प्योर मसलिन यहाँ पे पूरा दबके का वर्क है हेवी पिटन वर्क ये पिटन वर्क मैनुअल किया जाता है हैंड एम्ब्रॉयडरी रहती है एंड बटन्स में भी हम देखेंगे वेरी नाइस एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग स्लीव स्टाइल इज वेरी नाइस इस तरीके से हेवी टेसल स्लीव्स पे लगा हुआ है ये आपके साइड में ऐसे आएगा जब आप पेयर करते हैं लॉन्ग लाइन कुर्ता इन प्योर मसलिन फैब्रिक एंड प्रिंट हम देख सकते हैं बहुत सुंदर सा लहरिया टाइप इसमें प्रिंट जा रहा है लॉन्ग लाइन कुर्ता 45 अराउंड इसका लेंथ जाएगा अवेलेबल है 38 से लेकर 46 तक ओके okay? सो so, आज का जो हमारा कलेक्शन था दिस वाज ऑल अबाउट कुर्तीज वेयर एंड फॉर्मल वेयर तक की कुर्तीज हमने आज कवर की है साइजेस हमने दिखाए हैं थर्टी से लेकर फोर्टी तक सो so, बताइएगा आपको ये वाला कलेक्शन कैसे लगा एंड कमेंट uh, में बताइएगा कैसा लगा एंड इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपके सजेशंस कुछ होंगे दे आर मोस्ट वेलकम हम कोशिश कर रहे हैं पीछे वीडियोस में हमको जैसे जैसे कमेंट्स मिल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क करें लास्ट वीडियो में किसी ने बोला था कि आप डिफरेंट नेक स्टाइल के अंदर कुर्तीज लेकर आए सो so, आज हमने एकदम उस चीज को फुलफिल कर दिया डिफरेंट डिफरेंट नेक स्टाइल की हमने आज आपको कुर्तीज दिखाई है ओके देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एवरी वन